मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और सुबह 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 नहीं, एक बज रहे हैं। मैंने जस्ट अभी शावर लिया, आज लेट हो गया शावर लेने के लिए और सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया है। तो यहाँ पे मैंने चावल रखा है आज मुखबंग शूट में। अब चेहरे की को देखो कैसा लग रहा है चेहरा, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो चावल रख दिया है, चावल हो गया है, आज मुखबंग शूट नहीं है। तो इसके लिए जो कल की जो दाल और सब्जी बची थी, तो सिर्फ चावल बनाना था तो मैंने बना दिया। अभी वो फ्रिज में से निकल के गर्म करेंगे क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आ जाना है डीमार्ट, अभी तो मेरा पेमेंट आया नहीं है यूट्यूब से, आज शाम तक आ जाए तो अच्छी बात है क्योंकि कल तो संडे था, तो देखते शाम तक आता है। लेकिन अभी उस पेमेंट का क्या वेट करूँ, जाके मैं अपना लेके आऊँगी थोड़ा बहुत जो भी सामान है, क्योंकि आटा वाटा नहीं है। एक्चुअली मुझे पिसाना था, लेकिन क्या होता है ना, एक नॉर्मल एक्टिवा भी रहती है तो एक्टिवा पे डाल के लेके जाते और लेके आते हैं, बट चल के लेके आना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, वजन भी हो जाएगा और मैं उठा भी नहीं पाऊँगी। 10 किलो पिसाना है मुझे, लेकिन अभी पिसाऊँगी नहीं मैं। रेडीमेड हो जो आशीर्वाद ये वाला जो भी ब्रांड का मिलेगा मैं लेके आऊँगी, या फॉर्च्यून का जो भी है देखते। और छोटी मोटी चीज़ें हैं वो लेके आनी है, तो मैं वो लेके आते बाद में जब पेमेंट आएगा तो फिर दूसरा चीज़ें जो करना है वो करूँगी। तो फिलहाल चलिए, यहाँ पे कपड़े घड़ी हो गए, फटाफट कपड़े रख देते। इसमें क्या है, टी शर्ट है कि शॉर्ट्स और लेगिंग्स है? तो अभी कपड़े रख देते हैं यहाँ पे। ठंड 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 कुछ है, वो उठा दे ना, वो हटा दे। तो आज कपड़े धो, कल ही धो दिए थे, अभी कपड़े आज नहीं है धुलने के लिए, तो इसके लिए आज नहीं धुल रही हूँ। बाकी जीन्स को अच्छे से घड़ी करना उसमें। तो फिलहाल कपड़े रख देते हैं। अच्छा मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, चादर घड़ी की है, देख लो, देख ऊपर, ये चादर घड़ी की है। ऐसे चादर घड़ी करते है क्या? उसको कंटल आ रहा है चादर घड़ी करने के लिए, सुनने लपेट के रख दिया। तो अब मैं उसको ऐसे ही रख देती हूँ, मैं भी ऐसे ही ठूस रही हूँ, रोज 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 कंटल आता है। गार्मेंट्स वगैरह भी हटा देती हूँ यहाँ से। चादर डाल देते हैं यहाँ पे। एक ये वार्डरोब बड़ा है तो सब कपड़े आ जाते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। और मेरे पास तो जो ये वाला कबर्ड भी है, लेकिन ये वाले में तो सिर्फ मेरी साड़ियाँ हैं। तो चलिए, मैं पानी का बॉटल भूल गई, बिस्किट खाना था मुझे थोड़ा सा। और मुझे ना जब सनस्क्रीन लगा देते तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में इचिंग होती है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो चलिए डीमार्ट जाएंगे, तब आपको मिलते हैं, बाय बाय। फिलहाल मैं गैलरी में बैठ गई हूँ खाना खाने, क्योंकि खाना खा के ही जाएंगे। वहाँ पे खा रही है और मैं यहाँ गैलरी में बैठी हूँ, तो मुझे गैलरी में बैठ के खाना खाना अच्छा लगता है। चलिए फटाफट खा लेते, फिर रेडी होंगे, फिर निकलेंगे हम लोग, क्योंकि आज धूप ही नहीं है, बारिश वाला मौसम हुआ है, तो फटाफट जाके आते हैं। चलिए मिलते रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं डीमार्ट के लिए, और मतलब तुरंत नहीं निकली थी खाना खा के आधा एक घंटा में आराम की थी, उसके बाद निकली थी। तो डीमार्ट में सामान लेने से पहले इसको पानीपुरी खाना था, तो मैंने इसको पानीपुरी खिला दिया। और मैं थोड़ी देर सो गई थी ना, तो मुझे सो के उठ के ना चाय ज़रूर चाहिए, तो मैंने घर पे नहीं पिया, मैं यहाँ पे डीमार्ट के बाजू में एक शॉप है वहाँ पे आके पी। यहाँ पे ग्रॉसरी अपना शॉपिंग हो रहा है, और डीमार्ट में ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं देते, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। जो जो चीज़ें थी वो मैंने ले लिया है, यहाँ पर ऑटो पकड़ लिया है और ऑटो में हम लोग जा रहे हैं। और शाम का टाइम था ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि ऑफिस टाइम रहता है ना, ऑफिस छूटने का, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी तो अपना थोड़ा छुपा रही है। फिलहाल हम लोग की शॉपिंग हो गई और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत ट्रैफिक था, ट्रैफिक इन द सेंस अभी शाम को ऑफिस का छूटने का टाइम रहना, इसलिए तो हम लोग की शॉपिंग हो गई है। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और मैं सामान रख के फिर अपनी मैं नीचे आऊँगी लेडीज ग्रुप में बैठने के लिए। थोड़े दूर ये तो उतरती नहीं है, इसकी जब फ्रेंड आती है तब। चलिए मिलते हैं।
सामान रखने के बाद से मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे ये सूजी का ढोकला बना के लेके आई थी आंटी, तो वही सब हम लोग खा रहे हैं। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, क्योंकि रात को फिर मैं इतनी थक गई थी ना, क्योंकि मेरा काम भी होता है इतना सारा ना, कि घर का भी और जो मेरा खुद का काम है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं थक जाती हूँ। तो इसके लिए मैंने रात को कोई भी चीज़ें खाली नहीं की। और एक बात है कि मैं रात को सारा किचन विचन क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा आलस नहीं आता है अपना काम ख़त्म करने के लिए। तो पहले तो मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि घर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें निकाल के देखूँगी। और देखो यहाँ पर मैं इसको बता रही थी युक्ति को कि तुअर का दाल, बोल रही थी कि नहीं है, लेकिन डब्बे में तुअर का दाल था, लेकिन तो भी मुझे तुअर का दाल लाना पड़ा, तो इस वजह से। तो यहाँ पे अभी ना ये डब्बे में ना मैंने सोचा है कि सिर्फ सूजी का जो पैकेट ले, जो मतलब हम लोग वजन करा के लेते हैं ना डीमार्ट में, वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो मैंने ना चीनी, चावल, दाल और सूजी ये सब चीज़ें लेके आई हूँ वजन करा के। तो मैंने सोचा ये वाले डब्बे में सिर्फ यही रखती हूँ, स्नैक्स वगैरह जो भी अलग अलग साइड में रखना है वैसा रख दूँगी। और आज मैंने सारे ड्रॉवर साफ़ किए, आज पूरा ही काम ख़त्म किया। ये सब काम ख़त्म करते 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 ना मुझे टाइम हो गया, क्योंकि आज मेरा ऑनलाइन कोई काम नहीं था इसलिए। तो ये चीज़ें ना करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया मुझे, लेट मतलब इन द सेंस क्योंकि आज मुकबंग वीडियो भी शूट करना था इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने रख दिया है, और चीज़ों को थोड़ा सा झाड़ वाड़ लूँगी। घर ऑलरेडी साफ ही है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा दिखता है ना तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, मुझे ना वो गंदा दिखेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं हमेशा साफ वाफ करती ही रहती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि जो नीचे के ड्रॉर में मैं स्नैक्स रखती हूँ ना, उसको नीचे से ड्रॉर से हटा के मैं ऊपर रखती हूँ, ताकि ऊपर मुझे दिख भी जाएगा कि सामने सामने क्या चीज़ है, और नीचे जो ग्लास बाउल, मेरे शूट के बर्तन, वो सारी चीज़ें मैं नीचे के ड्रॉर में शिफ्ट कर देती हूँ। तो मतलब आप एक काम में हाथ लगाओ ना तो आपको ये भी गंदा दिखने लगेगा, वो भी गंदा दिखने लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ होने लगती है, किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होता है ज़रूर कमेंट करना। तो अभी सारी चीज़ें जो मैगी है, पास्ता है, नीचे वाले ड्रॉअर में जो भी रखा था सामान, नीचे मैगी वैगी तो ख़त्म हो गया था, पास्ता वास्ता है, तेल के डब्बे हैं सारे, मैं बॉटल ही लेके आती हूँ, वो 5 लीटर वाला कैन नहीं लेके आती, फिर वो कैन खाली होता है, किधर फेंकने को जाने का क्या करने का, बॉटल तो भी हम लोग थ्रो कर देते हैं। तो इसलिए तो सारी चीज़ें ना मैं रख रही हूँ। और अभी दालों में ना मेरे पास काफ़ी सारे दाल हो गए हैं, क्योंकि मैंने देखा नहीं, हाँ लेकिन रिपीटेड में खाली तेल आया है और तुअर दाल आया है रिपीट में, क्योंकि ऑलरेडी था मेरे पास। अगर एक बार मैं पूरा चेक कर लेती ना तो शायद दोबारा मैं नहीं लाती, वो ख़त्म होने के बाद लाती, क्योंकि इसके लिए फिर पुराना वाला पहले निकाला, नया वाला मैंने रख दिया। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट आटा लाया था, मुझे एक्चुअली पिसाना था आटा, क्योंकि उसमें मुझे मिलेट डाल के पिसाना था, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। मैं बता चुकी हूँ कि शुरुआत में ही मैंने, एंड सॉरी गाइस, एडिटिंग के टाइम पे भी कॉल चला ही आता है, तो मैं अभी यहाँ पे आटा खाली कर रही हूँ। और मैंने ज़्यादा आटा नहीं लाया, क्योंकि ज़्यादा आटा लाने पे क्या होता है ना, ये जो पैकेट वाले होते हैं ना उसमें घून पड़ जाते हैं, और ज़्यादा चपाती मैं बनाती नहीं हूँ। हाँ पराठे वगैरह बनते हैं तो ख़त्म हो जाता है, अभी तो बच्चे हैं तो अभी ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं लाती थी ना तो अकेले के लिए कितना, 1 रोटी 2 रोटी मैं बना लेती थी, बट अभी मैंने 3 किलो लाया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मुझे पिसाना है। हे गाइस, अभी थोड़ा सा सामान रख के हुआ है, अभी घर में पसारा देखो कितना सारा हुआ है। तो पहले अभी बर्तन वाले साइड का भी ना मुझे साफ़ करना है, तो उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आज मैंने शावर नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा पहले ये सारे डस्टिंग वाला काम कर लूँ, और ये अभी साफ़ कर रही हूँ ना तो मुझे बहुत बुरी तरह सर्दी होने वाली है, क्योंकि मुझे ना डस्टिंग से बहुत ज़्यादा एलर्जी, मतलब इतना ज़्यादा एलर्जी है ना कि मैं बता भी नहीं सकती, कि मतलब मेरी नाक में ना एकदम खुजली आने लगती है और छींके चालू हो जाती है। तो चलिए फटाफट पहले जो बर्तन है ना वो पहले एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि ड्रॉवर बड़ा है लेकिन मैंने सब उलझा के मतलब इधर उधर रखा है ना, तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो चलिए फटाफट पहले मैं रख लेती। तो अभी दूसरे साइड का मेरा ना क्लीनिंग हो चुका है, मैंने ग्रॉसरी वगैरह सजा दिया है, क्योंकि मैंने भी क्या सोचा कि क्या ही वो वीडियो झूठ मूठ का लंबा करूँ, इसके लिए मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें क्या रखी है। तो यहाँ पे जो बर्तन है ना, बर्तन भी ना मैंने ना आढ़ा टेढ़ा ऐसा रखा है ना कि एक बर्तन निकालने के लिए 4 बर्तन मेरे साथ नीचे हाथ से गिर जाता है, तो इसीलिए ना जो बड़े बड़े बर्तन हैं मैं नीचे लगा दूँगी, और जो छोटे छोटे बर्तन हैं मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे लगाया। फाइनली सारा अरेंज कर दिया है, देख सकते हो इतना सारा सामान है, इसमें से बिस्किट्स है, इसमें सारे पास्ता, मस्टर्ड ऑयल, बाकी स्नैक्स, और पीछे मैगी रखा है मैंने, मैगी और उसका कोरियन नूडल्स, बाकी वहाँ पे सॉल्ट, मसाले, दालें, सारी चीज़ें रख दी है। इसको मुझे कुछ सही से करना है, प्लीज़ मुझे आइडिया दिखाइए, क्योंकि मुझे इसको उधर से हटाना है, तो देखते हैं इसमें मैं क्या रखती हूँ। उधर से मैंने वो वाला हटा दिया, और नीचे मैंने सारे ऑर्गेनाइज कर दिए, जो मेरे शूट वाले प्लेट है यहाँ पे, ग्लासेस वगैरह, ये कुछ मेरे नए बर्तन हैं, स्टिक्स है, और ये कुटनी और चकली मेकर, और ये वाले भी सही से जमा दिए मैंने, अब देख सकते हो। तो ये वाले भी हो गए, अभी इतना बर्तन हो गया है, और ये मसाले वाले
सारी चीज़ें ऊपर। एक्चुअली इसके पीछे जगह खाली है, देखते हैं मैं क्या रखती हूँ, लेकिन मुझे वो स्टैंड हटाना है किचन पे से, क्योंकि फिर मैं शूट करती हूँ ना तो वो बीच में आता है, तो देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, या तो एक जैसा बॉटल ला के पूरा इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। तो अभी फ़िलहाल ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो सारी चीज़ें रखने के बाद से यहाँ पे अब आ गया है लास्ट फाइनल झाड़ू लगाने का। बर्तन तो मैंने शाम को धोया था क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना था और बेटी भी क्लास चली गई थी, क्योंकि क्लास से आने के बाद फिर मुझे शूट पे बैठती हूँ तो वो भी साथ में बैठ जाती है एक साइड में, क्योंकि अभी दो जन हैं तो क्या अकेले अकेले खाएँगे, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए अभी झाड़ू वाड़ू मार लूँगी अच्छे से, और कितना कचरा निकला था मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ बॉक्सेस भी मैंने रखे थे ना बेफालतू के रखे थे, उसमें चीज़ें रख के। अच्छा, कोई चीज़ आप बंद करके रख दो ना तो अब याद नहीं रहता कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर 1 किलो के पैकेट थे पोहा के, और उसमें कुछ मसाले थे जैसे सांभर मसाला, और मैं इधर सांभर मसाला नया नया पैकेट में मंगा रही थी और यूज़ कर रही थी। और उसके बाद से अपना जो भी था रसम पाउडर और बाकी चीज़ें मसाले थे उसके अंदर, तो उसको सारा निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया। मसाले हमेशा मैं फ्रिज में ही रखती हूँ जो पाउडर वाले हैं, बट क्या मालूम क्या दिमाग में आया था कि ये वाले बॉक्स में रखा था। इसमें ना मेरा कुकवेयर आया था कुछ, तो पेट प्रमोशन था मेरा तो इसमें आया था, तो क्या मालूम मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया आइडिया नहीं है, लेकिन वीडियो शेयर की थी ज़रूर मैंने शेयर की थी। तो यहाँ पे कुकवेयर आया था, तो ये अभी बॉक्स रख के क्या करूँ, वो बर्तन तो मैं यूज़ ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी सारे कचरा इसमें डाल के, वैसे तो सारे कचरे लेके गए, लेकिन 3-4 बजे के करीब में वो लोग वापस आते पोछा लगाने के लिए, कॉरिडोर में पोछा लगाने के लिए, तो जो कचरा बाहर रहता है तो वो साथ में लेके चले जाते हैं, तो मैं रख देती हूँ। और जो भी रहता है मैं अच्छे से रख देती हूँ, ऐसा फैला के भी नहीं रखती हूँ कि किसी को दिक्कत हो या किसी को प्रॉब्लम हो। बट अब इतना कचरा मैं घर में नहीं रख सकती, क्योंकि सिंक के नीचे ना थोड़ा सा पानी ड्रॉप हो रहा है, सिंक में से लीकेज नहीं हो रहा है, लेकिन जो सिंक का जो जॉइंट है ना साइड साइड का, जो पूरा ट्रे बिठाया है सिंक का, तो वहाँ से पानी लीकेज हो रहा है। बर्तन धोने के टाइम नहीं होता है वो पानी, जो आरओ का पाइप ऊपर चढ़ जाएगा ना प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वो पानी गिरता है तो फिर वो नीचे ड्रॉप होता है, इसलिए मैं बॉक्स नहीं रख सकती। और हवा इतनी चल रही थी ना कि दरवाज़ा अगर मैं चिपकाऊंगी नहीं ना तो फिर दरवाज़ा फट करके पूरा बंद हो जाएगा, इतनी ज़्यादा हवा यहाँ पर चलती है। लेकिन मैंने विंडो बंद रखा है, अगर विंडो नहीं बंद रखूँगी ना तो फिर दरवाज़ा ज़रूर पटक जाएगा। फाइनली मेरा काम हो गया है और मैं अभी काजू कतली खा रही हूँ, और मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिया है क्योंकि शूट भी करना है। तो आज कैबेज की एक न्यू रेसिपी बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा कैबेज को बेसन वेसन लगा के। तो अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैंने राइस रख दिया है, तो किचन कितना खाली खाली है, चलो रुको बैक कैमरा कर। तो ये अभी ये स्टैंड हट जाएगा ना तो पूरा किचन खाली हो जाएगा। गर्म पानी का केटल मैंने वापस यहाँ रख दिया है और यहाँ पे देखिए पूरा खाली हो गया है, तो इतना स्पेस मिल जाएगा मुझे अपनी शूटिंग का, जो सब्जी वब्जी बनाती हूँ तो उसके मसाले रखने के लिए। बाकी और सोच रही हूँ वहाँ पे और एक मनी प्लांट लगा दूँ और एक धागा बांधूँ ताकि ये ऐसा ऊपर जाए, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ऊपर, तो मैं सोचूँ इसी में मैं इसको ये करूँ, मतलब लपेट के रखूँ। और यहाँ पे सारे डब्बे खाली हो गए, तो जो डब्बे अच्छे होंगे वो रखूँगी, बाकी का सब फेंक दूँगी। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल का डब्बा मैं नहीं रखती, तो मैं वो जो मेरा ऑयल बॉटल है उसको वॉश करके मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं जब काम करती हूँ ना, मुझे कुछ मीठा चीज़ें खाने के लिए और पानी पीने के लिए। अब मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि सुबह से लगी हूँ, अभी बज गए 2, शायद मेरी वीडियो भी पब्लिश हो गई होगी क्योंकि मैंने शेड्यूल करके रखा था, और मैंने सोचा कि जितनी भी वीडियो है सारा शेड्यूल करके रख देती हूँ ताकि एग्जैक्ट टाइम पर, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, एग्जैक्ट टाइम पर आपको मिल जाए। तो चले मिलती हूँ आपको बाद में। और 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। तो ये इतना बड़ा मैंने कैबेज लाया था, तो मैंने सोचा कि जो वायरल रेसिपी चल रही है कैबेज की, तो वो मैं बनाऊँ। इसका ना मैं वो कीटो बर्गर भी इसमें बनाते हैं और मोमोज वगैरह बना रहे हैं, तो बाकी का जो कैबेज बचेगा ना तो मैं उसमें मोमोज ट्राई करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ये कैबेज लाया था। तो यहाँ पे ना इसके जो पेटल्स हैं मैं निकाल दूँगी और इसको वॉश कर लूँगी, और यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया। अच्छा, बेसन में आप अपने पसंद के मसाले डाल सकते हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, कितना तीखा खाना है कितना खट्टा खाना है वो आपके ऊपर है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि भूख भी इतनी तेज़ लगी थी ना कि क्या बोलो, और बेटी भी आ चुकी थी क्लास से तो उसको भी भूख लगी थी, तो राइस एक साइड हो रहा है, दाल तो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए बेसन में मैंने नमक हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला घर का पिसा हुआ डाल दिया, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालूंगी, और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में हरा धनिया काट के डाल दूंगी। आप इसमें अजवाइन वगैरह, जीरा, हरी मिर्ची,
आप डाल सकते हो, आपके ऊपर है, प्याज वगैरह भी डाल सकते हो। तो इसका जो पेस्ट बनाना है ना एकदम थिक बनाना है, ताकि हम जब पत्ते पे कोट करें ना तो अच्छे से वो फोल्ड हो जाए। अच्छा पत्ते आप एक काम करना, जो उसके जो डंठल होती है ना, तो डंठल को आप बेलन से थोड़ा सा दबा देना, ताकि फोल्ड करने में आपको ईजी हो जाए। ये वाले तो बहुत नरम थे, इसके लिए मुझे दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब जैसे वो उसके स्टेम्स होते हैं ना, तो अगर आप नहीं दबाओगे तो फटने लगेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे और इतने डंठल नहीं थे, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसको रोल कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं कैसे रोल कर रही हूँ। आप बेसन ज़्यादा भी लगा सकते हो, और इसमें स्टफिंग आपके हिसाब से डाल के आप स्टीम कर सकते हो, और आप ऐसे भी इसको खा सकते हो। बहुत, लेकिन एक बात बोलूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिर से आज मेरे से वही गलती हो गई कि लास्ट वाली वीडियो सब्ज़ी का मैंने शूट नहीं किया, तो मैंने मुकबंग वीडियो से क्लिप निकाल के मैंने इसके अंदर डाली है। तो यहाँ पे सारे मैं लपेट लूँगी, और लपेटने के बाद से इसको एक टोप में स्टीमर रख के मैंने नीचे पानी डाल दिया है। और इस स्टीमर के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, अच्छा ये स्टीमर बड़ा भी होता है, ये छोटा भी हो जाता है। तो ये स्टीमर मैंने मीशो से लिया था या अमेज़ॉन से लिया था मुझे आइडिया नहीं, आपको कोई भी ऐप पर मिल जाएगा, अभी तो बहुत ईजिली मिल जाता है। यहाँ पर सूखी मिर्च ली है, लवंग लिया है, काली मिर्च, खसखस, इलायची छोटी वाली, बड़ी वाली इलायची, दालचीनी, मस्टर्ड और जीरा। तो इसका पेस्ट बनाएंगे, इसके साथ हम लोग डालेंगे थोड़ी सी अदरक और लहसुन, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट डाल दें। प्याज डाल के इसका हम लोग एक मसाला तैयार करेंगे। अच्छा टमाटर प्यूरी अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। अभी इसका मैं पेस्ट, तो यहाँ पे मसाले मैंने तो पीस के लिया है, अगर आपको पीसना नहीं है ना तो मसाले आप धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला या जो भी मसाला आप खाते हो पाउडर, छोले मसाले, चिकन मसाला, जो भी आपको डालना है प्याज के साथ में डाल के आप भून लीजिए, और नमक हल्दी वगैरह डाल के और टमेटो प्यूरी डाल के फिर आप जो बेसन का जो हमने लपेटा था उसको कट करके आप डाल के ग्रेवी बना सकते हो। जैसे हम नॉर्मल सब्जी की ग्रेवी बनाते हैं ना, वैसे आपके हिसाब से आप बना सकते हो। मैं तो पीसा हुआ मसाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर अभी लो टू मीडियम गैस पर फ्राई करूँगी, और आज मैंने अरहर की दाल बहुत दिन के बाद बनाई थी, तो इसके लिए उसको तड़का नहीं लगाऊंगी, सिर्फ उसमें धनिया पत्ता डालूंगी। तो इसमें मैंने ना टमाटर डाल दिया है, मैंने एक टमाटर डाला है, और उसके बाद से अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद से इसमें जितना आपको कितनी ग्रेवी चाहिए कितना, मेरे पास तो टाइम बहुत कम था क्योंकि भूख इतनी लग गई थी ना कि अभी क्या ही बोलो, तो इसलिए तो ये स्टीम हो गया था। इसको 10 से 15 मिनट मैंने स्टीम किया था, क्योंकि बेसन था, बेसन को अच्छे से स्टीम करना है, और कैबेज भी सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर की कोटिंग कितनी अच्छी है। ये ना आलू वड़ी जैसी है, जैसे हम लोग वो अरबी के पत्ते के बनाते हैं ना, वैसा ही कुछ कुछ लग रहा था मुझे तो, लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल दिया है, पानी डालने के बाद से जो हमने कैबेज को कट किया है वो अभी डायरेक्ट हम डाल देंगे। और एक साइड मैंने मेरी बेटी को बोल दिया था कि थोड़ा सा सैलेड वगैरह कट कर लो, क्योंकि खाना खाते हैं तो थोड़ा सैलेड वगैरह अच्छा रहता है, और उसी बहाने हम लोग कुकुम्बर वगैरह खा लेते हैं, नहीं तो ऐसा सेपरेट तो मैं खाने से रही, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए। तो ये रेसिपी कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा ये सब्ज़ी को 5 से 10 मिनट अच्छे से लो टू मीडियम गैस पे आप कुक कर लो, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे परवल भाजा, तो इसमें ना सिर्फ परवल को मैंने कट कर लिया है, और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के परवल को छौंक दी है, और छौंकने के बाद से एक पूरा मैगी मसाला मैं डालूंगी। उसमें ना नमक डालना है, ना हल्दी डालना है, कुछ नहीं, क्योंकि मैगी मसाले में सारी चीज़ें होती है। एक बार आप ऐसे फ्राई करके खाना दाल चावल के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं डाल दूँगी, और फटाफट कर रही हूँ अपना काम, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इसलिए, और भूख भी बहुत तेज लग गई थी। तो यहाँ पे सारा मैं अरेंज कर लेती हूँ, और लास्ट में आपको दिखाती हूँ बाउल में मैंने सब्जी निकाली थी, क्योंकि मैं ना शूट करना ही भूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए टेबल रेडी है, मिलती हूँ बाद में। गाइस फाइनली सारा काम खत्म हो गया, और मैं आके लेट गई मुकबंग वीडियो वगैरह बना के, और अब इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना कि अब मुझे आ रही है नींद। आज वैसे भी मेरा ऑनलाइन कुछ काम नहीं था, नहीं तो डेली रहता है मेरा ऑनलाइन काम, बट आज नहीं था, तो आज मैंने घर की सफाई और बाकी सारी चीज़ें कर ली, ब्लॉग शूट कर लिया। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और देखा मैंने लास्ट की वीडियो शूट करना फिर से मैं भूल गई, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, टेबल लग जाता है फिर लास्ट की वीडियो शूट करना, फिर मुझे एडिट करके मतलब उसमें से कट करना पड़ता है, मुकबंग में से कट करके फिर मुझे इसमें डालना पड़ता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा यम लगती है। इसमें कैबेज से मोमोज भी, तो कैबेज से मोमोज कैसे बनते हैं वो भी बताऊँगी।
तो चलिए अभी इस ब्लॉग से करते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ज़रूर चेक करना ना भूलें, उसमें इंस्टा आईडी एवी पेज की लिंक है, तो वहाँ से फॉलो सब्सक्राइब कर ले। और मेरे अदर जो चैनल्स हैं उसके नेम आपको मिल जाएंगे, तो आप सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर ले अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ज़रूर करना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।